Hello everyone, I'm Shobhita. Welcome to my channel Shobhita's Vlogs. ये मेरा पहला व्लॉग है. बहुत टाइम से सोच रही थी कि व्लॉग बनाती हूँ, पर फिर सोचती थी कौन देखेगा मेरा व्लॉग, कौन सी मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या वेल नोन पर्सनैलिटी हूँ. पर आज सोचा कि चलो बना के देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है. बड़ा रॉ सा व्लॉग है, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी फिल्टर्स यूज्ड. सो ये एक इंट्रोडक्टरी व्लॉग है. अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. सो ये एक इनिशियल मेरा इंट्रोडक्शन है. मैं शोभिता एंड मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, जो टीचिंग करियर, बहुत लॉन्ग टीचिंग करियर है मेरा. ये एक पैशन था, चाइल्डहुड पैशन था टीचिंग का, जिसको हम लोग ने अपने बचपन में भी पूरा करा है. उसको जब समर वेकेशन होती थी तो हम चार पांच फ्रेंड्स जो होते थे मिलके हम लोग एक स्कूल सेटअप करते थे घर में. और ये मेरे घर में होता था मोस्टली, कि हमारे पास एक स्पेयर रूम था जिसको हम जाली वाला कमरा बोलते थे और उसमें हम क्लासेस लगाते थे. उसमें बड़े बड़े शेल्स थे तो वो हमारे यूज में आता था, जिसको हम यूज करते थे बच्चों की बुक्स रखने के लिए. और बच्चे, आपको पता स्टूडेंट्स कौन होते थे, छोटे भाई बहन, सब फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन, ये लोग सारे स्टूडेंट्स होते थे हमारे. और इनको हम लोग पढ़ाते थे, पूरा बाकायदा क्लासरूम सेटिंग होती थी और सब कुछ होता था, टाइम टेबल बनता था, बेल रिंग होती थी क्लास के बाद और टीचर्स को पूरे क्लासेस असाइन करे जाते थे. और लिविंग रूम साथ में था तो उसको स्टाफ रूम बनाया हुआ था. टीचर बनने का शौक था तो मम्मी की साड़ियाँ पहनना, मम्मी जूड़ा बनाना, मम्मी गुस्सा भी होती थी. और ब्लैक बोर्ड होता था, दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा. और रूम का दरवाज़ा उस समय पेंट्स, डोर पेंट्स वगैरह इतने रिफाइन नहीं होते थे, तो वो जो रूम का दरवाज़ा चौक से लिख के उस पर हम लोगों ने सारा वाइट इम्पैक्ट छोड़ दिया था चौक का. और जिसके पीछे मम्मी से डांट भी पड़ती थी, नाराज भी होती थी, पर फिर यह होता था कि चलो अपना एक पैशन हम पूरा कर रहे हैं. पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, टीचर बनने का शौक था. तो ये बड़े होके उसके बाद ये पैशन अपने आप ही थोड़ा सा लो साइड पे हो गया. पापा की पोस्टिंग हो गई, सारी चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो थी वो वही छूट गई और उसके सीनियर क्लासेस हो गए पढ़ने में, और उसमें ज़्यादा हमारा टाइम हम लोग का लगने लगा सबका. तो उसके बाद ये पैशन जो पूरा हुआ टीचिंग का, ये जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो सोचा घर पे तो नहीं बैठना, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है. तो फिर न्यूज़पेपर्स में जॉब ढूंढना, वो सारा कुछ शुरू हो गया काम. तो उसके बाद मैंने देखा एक स्कूल में, स्कूल वैकेंसीज ही देखती थी मैं ज़्यादातर. मैंने स्कूल में एक वैकेंसी देखी, बहुत जो वेल नोन स्कूल था उसमें बिना बताए घर में उसमें गई मैं, उसमें इंटरव्यू देने और बाय चांस सिलेक्शन भी हो गई. फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है एंड आई एम गोइंग टू टेक अप दैट जॉब. तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. माई मदर वॉज एन एजुकेशनिस्ट हर सेल्फ एंड माई फादर वॉज ऑन अ वेरी सीनियर पोस्ट, अ वेरी रिफाइंड एंड अ वेरी एजुकेटेड पर्सन. सो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता ही नहीं इस चीज़ के लिए. फिर मैंने जॉब करी, उसका मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट हो गया. और उसके बाद टीचिंग करियर कई बार छोड़ा भी, उसमें एनजीओज में काम करा मैंने और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करा, वो भी एजुकेशनल फील्ड पे था जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम था. और स्ट्रगलिंग फेज था लाइफ का, जो कि हर किसी की लाइफ में शायद आता ही है एक ऐसा स्ट्रगलिंग फेज जो हर कोई स्ट्रगल करता है. उसके बाद ये जो टीचिंग क्वालिटीज थी ना, ये कभी खत्म नहीं होती है. जो इंस्टिंक्ट है दैट नेवर डाइज, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर. सो हमेशा जब भी कोई अपनी पोस्ट डालता है उस पर सोशल मीडियाज पे, तो एक वो होता है कि उसमें कोई ना कोई मुझे गलती नजर आ जाती है, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक या किसी की ग्रामेटिकल मिस्टेक. तो जो नोन होते हैं उनको इनबॉक्स में मैसेज कर देती हूँ कि इसको ठीक कर लो, ये गलत है. पर रहा नहीं जाता है, चाहे मतलब फिर मैं कह देती आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड. रहा नहीं जाता है आपसे वो करके, कि मतलब आपको बताना ही होता है जो आपकी एक अंदर से इंस्टिगेट कर रही होती है आपकी टीचर इंस्टिंक्ट, दैट यू हैव टू टेल. इस वाले हाथ में दर्द हो गया, इस वाले हाथ में चेंज कर रही हूँ. तो वो आपको अंदर से इंस्टिगेट कर रही होती है कि आपने बताना है, बताना है, बताना है. तो फिर उसके जब उनको बता देते हैं तो वो बड़ा हम्बल, वो भी पोलाइट वे में कहते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और अननोन लोगों को नहीं बता सकते हैं. और वेडिंग कार्ड्स कई बार आते हैं, उसमें भी बहुत बार मिस्टेक्स होती हैं, पर चलो वेडिंग कार्ड्स तो वेडिंग कार्ड्स होते हैं, उसमें आप किसी की मिस्टेक किसको बताओगे, और वो तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं तो उसमें कौन सी अपनी कोई मिस्टेक वो करेगा. और मोस्टली पहले लेटर्स में भी मैं निकालती थी मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोगों की, कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है इसने, ये फॉर्मेशन रॉन्ग है इसका, ये चीज़ रॉन्ग है. पर अब तो लेटर का ज़माना ही ख़त्म हो गया, अब तो हर कुछ टाइप आता है और उसमें बाय चांस अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो टाइपो एरर कह के उसको ओवरकम कर दिया जाता है. सो
टाइम हैज चेंज्ड, टाइम हैज चेंज, बट द टीचर पैशन, द टीचिंग पैशन, द टीचर इंस्टिंक्ट हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल. सो वो अंदर से, आपके अंदर से वो होती है पढ़ाने का, पढ़ाने का. हर किसी को कोई कुछ भी पूछ ले तो आप उसको एक लेक्चर सा देना शुरू कर देते हो, उसको एक उसमें एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो. कोई चाहे सामने वाला तंग भी आ रहा हो, कहता है क्या आप भाषण देने लगे हो, आपका भाषण कौन सुनेगा इतनी देर तक. तो वो एक आदत होती है एक्सप्लेन करने की, वो आप उसको नहीं खत्म कर सकते हो, उसको नहीं किल कर सकते हो. और एक यह हैबिट होती है कि घर में भी आप ऐसे ऐसे करके बात कर रहे होते हो, और तब तो घर वाले बोल ही देते हैं कि पहले उंगली नीचे करके बात करो. सो ये है छोटा सा एक इंट्रोडक्शन. आई होप यू ऑल विल लाइक इट. प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.